और आपको बता दें कि एक्चुअली बात होंगे जबलपुर की, आपको बता दें कि थाना अंतर्गत तो देर रात तो लगभग 1 बजे सूतिका गृह हॉस्पिटल में यहां पर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे सीएसपी दीपक मिश्रा और साथ ही महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज, उनके स्टाफ ने यहां पर मामले को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है वर्षा मिश्रा, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, मझोली के ग्राम पटोरी की रहने वाली है, और अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ पर सूतिका गृह हॉस्पिटल आई थी और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और अचानक रात में उसकी मौत हो गई। परिजनों का जब इस बात को जो है खबर लगी तो परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर आरोप लगाया कि हॉस्पिटल वालों की यहाँ पर गलती से ही उसकी मौत हुई है। और जब देर तक परिजन परेशान रहे तो यहाँ पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल में यहाँ पर किसी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये था कि हम लोग नॉर्मल चेकअप के लिए यहाँ आए थे और 2 अक्टूबर की डेट दी गई थी पिछले चेकअप में जब हम लोग आए थे यहाँ पर, तो मैडम के द्वारा बताया गया था कि 2 अक्टूबर को जो है आपको आना है। तो अभी ऐसा कोई विशेष दर्द नहीं था, अपन लोग चेकअप के लिए आए थे। तो फिर मैडम ने जैसा जो कुछ भी किया, बोले एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट किया उनने। और फिर उनने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है आपकी, और 2 घंटे बाद फिर ये अचानक सांस रुकने का, और ये मामला जो है यहाँ का गोलमाल अस्पताल प्रबंधन का समझ में नहीं आ रहा है। और मैडम जो हैं वहाँ पर ड्यूटी नर्स या डॉक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं थे। 2-3 बार बुलाने के बाद भी नहीं आ पा रहे थे। 15 से 20 मिनट और आधे घंटे का समय के बाद वो लोग पहुँचे अपने यहाँ। जब तक ये जो है इनकी आँख जो है और सांस रुक चुकी थी। हंगामा नहीं है यहाँ पे। एक महिला को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास डिलीवरी हुई थी, और नॉर्मल डिलीवरी थी, और उस महिला को भी 1-1.5 घंटे पहले कुछ तकलीफ़ हुई है और जिससे उस महिला की डेथ हो गई है। परिवार वालों थोड़े से भावुक हो गए थे और वो परिवार वाले आवेदन पत्र दे रहे हैं, और अस्पताल से जो सूचना जाएगी उसमें मत कायम होगा।